हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज हम बताएंगे दोस्तों डबल कटोरी की नाप और कटिंग करके। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। दोस्तों दोस्तों मैं पहले भी आपको कटोरी ब्लाउज की नाप और कटिंग वीडियो में मैंने डाला था। अगली वीडियो में दोस्तों मैं दूसरे तरीके से डाली थी। आज दोस्तों मैं आपको दूसरे तरीके से डबल कटोरी की नाप और कटिंग बताऊंगी। दोस्तों मैं वो भी दोबारा डालूंगी। दोस्तों तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। यह है डबल कटोरी, लंबाई है 16 इंच। देखिए दोस्तों, कमर है 10.5। दोस्तों कमर है 10.5, इसको देखिए दोस्तों, दोस्तों शोल्डर है, दोस्तों शोल्डर है 5। दोस्तों और गला का गैप है 2 इंच। दोस्तों आगे का गला है 7 इंच। दोस्तों इसको इसी तरह मिला लेंगे दोस्तों गले को। देखिए दोस्तों मैंने मिला लिया। दोस्तों बगल है दोस्तों 5.5। दोस्तों छाती है, छाती दोस्तों इस प्रकार से लेंगे बगल। दोस्तों बगल गोलाई है जो छाती से नापेंगे। दोस्तों छाती है 11, तो यहाँ से दोस्तों बगल गोलाई छाती से नाप लिए। देखिए दोस्तों अब इसको बगल गोलाई को इस प्रकार से मिला लेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से इसको मिला लेंगे अब दोस्तों बगल को। अब दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ से गोलाई का शेप लेंगे। तो दोस्तों 11 है छाती का नाप, तो इसका फिटिंग नाप 10 लेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों 10 लिए, तो दोस्तों यहाँ से 1/2 इंच ले लेंगे और दोस्तों यहाँ से 1 इंच ले लेंगे बगल की गोलाई। दोस्तों इस प्रकार लेंगे, यहाँ से दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ से इसकी गोलाई 1/2 में टच होके 1 इंच जाना चाहिए। और दोस्तों ये शेप है बगल गोलाई का। देखिए दोस्तों बगल गोलाई का शेप मैंने बना दिया। दोस्तों इस तरह नापेंगे दोस्तों, तो अपना फिटिंग हो जाएगा। दोस्तों तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका गोलाई बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग आएगा, न झोल नहीं आएगा इधर उधर। दोस्तों अब दोस्तों इसको छाती को कमरे में मिला लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने मिला लिया। अब दोस्तों गला की गोलाई बनाएंगे। देखिए दोस्तों गला की गोलाई मैंने बना ली इसी प्रकार से। अब दोस्तों योग पट्टी लेंगे, योग पट्टी दोस्तों 3.5 का। दोस्तों अब इसको दोस्तों इसी प्रकार से पट्टी को भी कर लेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों अब दोस्तों यहाँ से कटोरी का नाप लेंगे।
देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपकी लंबाई कम है, 16 है या 17 है, तो आप 11 रख लेंगे, नहीं तो 10.5 का। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से लेंगे ना कटोरी का बीच से दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों आप 10.5, और जिससे लंबाई जिससे रहेगा 11 लेंगे या 10.5 लेंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे 11 का निशान लगा लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से मैंने कटोरी 5 कर लिया है। तो दोस्तों आपका अगर जैसे चेस्ट होगा, आपका इस कटोरी का नतवा होगा, जैसे थोड़ा हैवी साइज के लोगों को 5.5 का भी लगेगा, और 6 का भी, और 7.5 का, इससे बड़ा नहीं दोस्तों लगेगा कटोरी। तो मैं 5 को आपको दोस्तों बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ का मैंने 5 का यहाँ निशान लगा लिया। अब दोस्तों मैं इसको इसी प्रकार से मिला लूँगी। देखिए दोस्तों, मिला लिया मैंने। अब यहाँ से दोस्तों कटोरी के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने लगा लिया, और जो टेक्स पॉइंट लिए थे दोस्तों 11 पे, यहाँ से मैं इसको मिला लूँगी। देखिए दोस्तों, मैंने मिला लिया, और यहाँ से एक पट्टी का गोलाई बना लेंगे। देखिए दोस्तों, बन गया मेरा। अब दोस्तों यहाँ से जो 1.5 लिए हैं, यहाँ से गले के पास से कटोरी का शेप बनाएंगे। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा मेरा डबल कटोरी का शेप बन गया दोस्तों। दोस्तों मेरा डबल कटोरी का है दोस्तों, मैं आपको दूसरे तरीके से कटोरी मैं बता रही हूँ दोस्तों। इसको दोस्तों मैं कटिंग करूँगी दोस्तों। ये मेरा नाप हो गया दोस्तों। दोस्तों मैंने कटोरी आपको दूसरे तरीके से बताया। तो दोस्तों इसको पहले इस कटोरी को ऐसे निकाल लेंगे दोस्तों। तो मैं इसका पूरा कटिंग आपको दिखा रही हूँ। आप तो आपको बता दें दोस्तों, अब डबल कटोरी कटिंग करके बताएंगे, और किस तरह कटोरी को बढ़ाएंगे वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगी। दूसरे तरीके से मैं आपको कटोरी बता रही हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैं कटिंग कर रही हूँ। दोस्तों इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, मैंने बगल को कट कर लिया। अब दोस्तों आगे का गला काटेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने गला के गोलाई को भी कट कर लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितना मस्त मेरा कटिंग हुआ। अब दोस्तों पीछे के भाग को निकाल लेंगे इसी प्रकार से। देखिए दोस्तों, मैंने पीछे के भाग को निकाल लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आगे का योग पट्टी की कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरा योग पट्टी भी कट गया। अब दोस्तों इस कटोरी को की कटिंग करेंगे दोस्तों। मैं इस दूसरे तरीके से कटोरी पहले इसको निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरा डबल कटोरी का कटिंग। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने डबल कटोरी का कटिंग किया दोस्तों।
मेरा डबल कटोरी कटिंग हो गया दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसको कटोरी को बढ़ा के भी दिखा रही हूँ किस प्रकार से बढ़ाते हैं, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। दोस्तों अब कटोरी को निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने कटोरी को देखिए दोस्तों मैंने कटोरी को इस प्रकार से इसका निकाल लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा इसको गाढ़ा कर देती हूँ कि पूरा वीडियो में दिखे। देखिए दोस्तों मैं इसको गाढ़ा कर रही हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने कटोरी को थोड़ा चटकार में बना लिया। अब मैंने इस कटोरी के नाप को देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैंने निकाला। अब इसको बढ़ाएंगे कैसे मैं भी दिखा रही हूँ दोस्तों। दोस्तों अब मैं कटोरी को बढ़ाने जा रही हूँ। मैंने उसके साचा को निकाल लिया दोस्तों। एक कटोरी का जो मैंने टेक्स पॉइंट लिया है दोस्तों यहाँ से इसको यहाँ पे निशान लगा लेंगे दोस्तों। यहाँ पे इसको यहाँ निशान लगा लेंगे दोस्तों। अब इसको दोस्तों यहाँ से खींच लेंगे। देखिए दोस्तों अब फिर यहाँ से दोस्तों मैं दूसरे तरीके से कटोरी को मैं बता रही हूँ दोस्तों। पहले वीडियो में दूसरा तरीका बताया था कटोरी का, ये अब की वीडियो में दोस्तों मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ दोस्तों। यहाँ से एक ले लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ से डेढ़ ले लेंगे। दोस्तों यहाँ से डेढ़ हमने बढ़ाया दोस्तों। इसी प्रकार इधर से भी एक ले लेंगे दोस्तों इसी प्रकार इधर भी डेढ़ बढ़ा लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने बढ़ा लिया। अब दोस्तों यहाँ से बीचों बीच टेक्स पॉइंट कितना आ रहा है, टेक्स पॉइंट आ रहा है इसका आधा लेना दोस्तों, तो 3.5 आ रहा है। देखिए दोस्तों 3 आ रहा है यहाँ से। दोस्तों अब यहाँ से इसको डेढ़ ले लेंगे नीचे से। देखिए दोस्तों डेढ़ ले लिए हैं यहाँ से भी, जो डेढ़ लिए थे दोस्तों। अब इसको इस प्रकार से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैंने मिला लिया। और जो इधर सा डेढ़ लिए हैं दोस्तों इसको भी इसी प्रकार से, देखिए दोस्तों इसमें भी मिला लेंगे। देखिए दोस्तों इसमें भी मिला लिए। जब जहाँ से डेढ़ लिए यहाँ से डेढ़ लिए कटोरी को भी देखिए दोस्तों बढ़ाएंगे। यहाँ से हाफ पॉइंट लेंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हाफ पॉइंट लेके इसे मिला लेंगे। देखिए दोस्तों मिला लिए। एक और का मेरा एक कटोरी बढ़ा दिए। अब दोस्तों इसी प्रकार से इधर भी हाफ पॉइंट लेके दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों इसको भी डेढ़ में बढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों मैंने
इसी प्रकार से इसको भी 1.5 पॉइंट जो लिया था इसको भी दोस्तों बढ़ा लिया, मिला लिया। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो लिए हैं टेक्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ से इसको इसमें मिला देंगे। देखिए दोस्तों, अब फिर यहाँ से 1 इंच लेके दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इधर भी 1 इंच पे निशान लगा लेंगे दोस्तों। जहाँ टेक पॉइंट है यहाँ से इसी प्रकार से दोस्तों मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने मिला लिया इसी प्रकार से दोस्तों, इसको भी इसी प्रकार से टेक्स्ट पॉइंट को मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, मिल गया ये दोस्तों, ये जो देखिए दोस्तों, ये मेरा कटोरी बन गया। अब दोस्तों इसको कटिंग कैसे करेंगे वो भी मैं अभी दिखा रही हूँ, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, मैंने कितने आसान तरीके से, मैंने दूसरे तरीके से बताया आपको। पहले वाला मैं फिर से रिपीट करके बताऊंगी दोस्तों, उसका नाप कटिंग। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से इसको कट करेंगे दोस्तों। मैंने कट कर लिया दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से कटोरी की कटिंग कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कटोरी को मैंने कट कर लिया। अब इसको दोस्तों बीच में से यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कट कर लिया। अब फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ से भी कट कर लेंगे और यहाँ से जो बढ़ाए थे 1 इंच इसको भी दोस्तों कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरी कटोरी का पॉइंट कितना मस्त तरीके से कटिंग हो गया। देखिए दोस्तों, डबल कटोरी का दोस्तों, आप आधा आधा इंच कपड़े जो कटिंग करेंगे तो आधा आधा इंच बढ़ा लेंगे कपड़े पे थोड़ा, और दोस्तों नीचे का यहाँ से भी आधा इंच बढ़ा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा डबल कटोरी कटिंग हो गई दोस्तों। मैं कितने सरल और आसान तरीके से आपको दिखाया दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ आपको दोस्तों, एक पीछे का पार्ट दोस्तों और दोस्तों ये आगे का पार्ट है। देखिए दोस्तों, और ये दोस्तों दोस्तों ये हमारा योग पट्टी है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।